नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। अभी कुछ दिन पहले ही जाफरगंज थाने की दलेलखेड़ा गांव की एक महिला ने पति पर फोन से तलाक देने का आरोप लगाया था कि उसका पति कुवैत में रहता है और उसने फोन कर उसे वहीं से तलाक दिया है। अब वही महिला की सास ने मामले में जो कुछ बोला है उसने इस मामले को और भी अधिक पेचीदा बना दिया है। महिला की सास की माने तो महिला अपने मायके के लोगों के जरिए आए दिन उसके बेटे पर अनायास दबाव बनाती है, पति से लगातार पैसे मांगती है और पिछले कई बार से उसके मायके पक्ष के लोग उसके घर आकर उसके साथ मारपीट भी कर चुके हैं, शादी में मिला घर का सामान तक उठाकर ले जा चुके हैं। वहीं बहू को जब उसके बेटे ने पैसा देने से मना कर दिया तो अब झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए एसपी से मिलकर मुकदमा दर्ज कराने की बात करने लगी है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर पैसे ना देने पर मारपीट और अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। घर वाले को आप लोग परेशान करते हैं क्या? उसका बाप, उसका भाई असलम, अकरम, कलाम, रियाज, रईसुद्दी, रुखसाना, अफसाना सभी परेशान करती हैं। आके रात में आके 8-10 लोग हमारे घर में घुस के जबरदस्ती ले गए हैं अपनी लड़की को। अब कुछ 2-4-10 आदमी बाहर खड़े थे, अंदर आके धमकी दिए मारने के लिए। बहू के आप पर आरोप है कि आपके लड़के ने फोन में उसको तलाक दे दिया है, विदेश में रहते हुए तलाक दे दिया है, उसमें क्या सच है कि गलत? वो नहीं दिया, वो लोग ये बना रहे हैं, फर्जी बना रहे हैं, जबरदस्ती उससे मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? फैसला दो हमारी लड़की को, हम तुमको मार डालेंगे, तुम्हारी माँ बहन को घसीटेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, ये तमाम परेशान। तो बहू आपकी तलाक लेना चाहती है अभी तक से? बहू भी तलाक चाहती है, बहू भी मांगती है तलाक, उसके भाई और बाप भी तलाक मांगते हैं। हमारी बहू आए दिन झगड़ा करती है, मारपीट करती है अपने भाई बहनों के, भाइयों के कहने से यहाँ हमारे यहाँ ससुराल में नहीं रहती है। ये हर साल हर महीने ये अदालत मुकदमा कटरा जाफरगंज फतेहपुर सगले मुकदमा लगाती है इसके भाई बाप। इसका बाप कहता है मैं तुझे अदालत में घसला लूँ। क्यों नहीं रहती बहू? ये नहीं रहती है, ये अपने भाई बाप से कहीं पैसा मांगती है, कहीं कहती मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, अपने आदमी के कहने पे नहीं चलती है। कब से परेशान कर रही बहू आपको? इसकी कब से शादी हुई, जब से ऐसे ही इसकी हाल है। शादी के हो गए 14-15 साल। कब से परेशान कर रही? ये शुरू से ऐसे ही है, शादी हो के आई थी, हकीकत में वैसे ही ये करती है, आज भी वैसे ही कर रही है। आज आप कहाँ आई हैं? हम आज इसके साहिब के लगे आए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? मिलेंगे अभी। बेटा कहाँ रहता है? बेटा हमारा विदेश में रहता है, उसको धमकी देते हैं और कैसे हम उसको मार डालेंगे, हमारी बहन को फैसला दे दे, हमारी बहन को ये कर वो कर, उसको बहुत परेशान करते हैं। द्वारा NCR नंबर 30/15 थाना जाफरगंज में अंकित कराया गया, बाद में धारा 156 CRPC के तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात इनकी बहू के द्वारा लगाए गए समस्त आरोप न्यायालय द्वारा असत्य मानते हुए निरस्त कर दिए गए। दिनांक 7/12/17 को ये 10 बजे अपने घर में अकेले थी। इनकी बहू अफसाना अपने सारे पारिवारिक जनों के साथ इनके घर के अंदर घुस आई और इनको लात जूतों से मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दी, इनकी इज्जत लज्जा भंग किया और इनके घर वालों ने साया के साथ जबरन रेप करने की कोशिश की। ये लोग थाने गए, थाने में इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज कप्तान साहब के समक्ष ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट योगेंद्र कुमार। इंस्पेक्टर कोतवाली को इस संबंध में जांच करके कार्रवाई करने के लिए निर्देश निर्गत किया गया।